हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूँ ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चिपक सुपर गिलीज एंड दिंडीगुल ड्रैगन्स मतलब CSG एंड DD के बीच में जो TNPL का आज क्वालिफायर 2 खेला जाएगा उसी के बारे में। अच्छा, तो क्वालिफायर 1 एंड एलिमिनेटर मैच ऑलरेडी हो चुका है। क्वालिफायर 1 में चिपक सुपर गिलीज को हरा के रूबी त्रिची वॉरियर्स ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं एंड वेट कर रहे हैं। एंड एलिमिनेटर मैच में लाइका कोवाई किंग्स को हरा के दिंडीगुल ड्रैगन्स क्वालिफायर 2 में आया है। अब इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगा वो फाइनल खेलेगा रूबी त्रिची वॉरियर्स के साथ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक मैच को कवर करते हैं। हमको ये भी सिखाने का कोशिश करते हैं कि कैसे आप खुद का टीम खुद बना सकते हो, एंड इसके लिए प्रॉपर स्टैट्स, इन्फॉर्मेशन, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हम इसी चैनल पे वीडियोस के द्वारा देने का कोशिश करते हैं, ताकि आप खुद का टीम खुद बना के अच्छा खासा अमाउंट विन कर पाओ स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में। तो इसीलिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये मैच खेला जाएगा आज शाम को 7:30 बजे से, वेन्यू एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, जहाँ पे हर एक मैच इस साल TNPL में खेला गया है। अच्छा, अब वेन्यू स्टैट्स से हम शुरुआत करते हैं। T20 डोमेस्टिक मैचेस का स्टैटिस्टिक्स हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 119 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे 63 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है एंड 54 टाइम्स बैटिंग सेकंड करने वाला टीम मतलब चेजिंग साइड जीता है। बाकी एवरेज स्कोर वाइल बैट फर्स्ट है 158, हाईएस्ट बना है 246। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देख लेंगे तो बिलो 150 यहाँ पे 46 टाइम्स बना है, जो कि सबसे ज़्यादा है, एंड 150 एंड 169 के बीच में 39 टाइम्स बना है, जो कि सेकेंड बेस्ट है। तो इसी रेंज पे आप स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर शुरुआत अच्छा खासा रहा तो 150 क्रॉस होगा एंड 160 के करीब बन सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ एंड मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेशन भी अच्छा खासा हुआ तो 170 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर शुरू में विकेट गिरा एंड मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेशन अच्छा खासा नहीं हुआ तो 145-150 तक ही आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं इस साल TNPL में कैसा क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 30 मैचेस खेले जा चुके हैं इस साल TNPL में। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 9 बार जीता है सिर्फ, एंड बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 17 बार जीता है। तो यहाँ पे चेजिंग का थोड़ा सा ज़्यादा फेवर रहा है अब तक, ठीक है। बाकी नाइट मैचेस इन TNPL मतलब जो शाम के टाइम पे मैचेस होते हैं अंडर लाइट्स, वहाँ पे कैसा क्या रहा है। तो टोटल 21 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहाँ पे 13 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है, यहाँ पे भी चेजिंग फेवर रहा है। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि TNPL में इस साल चेजिंग ज़्यादा हुआ है, लास्ट के दो मैचेस में भी क्या सेम ही रहा है। तो देखो, क्वालिफायर 1 153/5 किया CSG, RTW मतलब रूबी त्रिची वॉरियर्स टारगेट को चेज कर गए 157/5। चेजिंग साइड यहाँ पे जीता, बैटिंग सेकंड साइड जीता। यहाँ पे एलिमिनेटर मैच में, जो कि लास्ट मैच था इस ग्राउंड पे, लाइका कोवाई किंग्स ने 143/6 किया, दिंडीगुल ड्रैगन्स आसानी से चेस कर गए। तो लास्ट के दो मैचेस में भी चेजिंग साइड ही जीता है। तो चांसेस ज़्यादा होगा कि इस मैच को जो खेला जाएगा, जो दिंडीगुल ड्रैगन्स एंड चिपक सुपर गिलीज के बीच में क्वालिफायर 2 खेला जाएगा आज, वहाँ पे भी चेजिंग साइड के जीतने का चांसेस होगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगा बैटिंग सेकेंड करने का कोशिश करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चिपक सुपर गिलीज के बारे में। दोस्तों, वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ रहा है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। अब देखो, CSG का पैटर्न क्या रहा है। ये बैटिंग फर्स्ट इनको जमता ही नहीं है। फर्स्ट मैच बैटिंग फर्स्ट 165/7 हार गए, लास्ट मैच 153/3 बैटिंग फर्स्ट हार गए, सेकंड लास्ट मैच 132 पे ऑल आउट हो गया बैटिंग फर्स्ट करते हुए, हार गए। बैटिंग सेकंड देखो, यहाँ पे 145/6 चेस करते हुए जीते हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 125/5 चेस करते हुए जीते हैं। तो ये ज़्यादातर बैटिंग सेकंड करके चेस करना पसंद करते हैं, फेवर करते हैं बैटिंग सेकंड को एंड बैटिंग फर्स्ट को अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। एंड जब भी बैटिंग फर्स्ट आता है, इनका जो बॉलिंग अटैक है वो टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाते और ये मैच को ज़्यादातर केसेस में हार जाते हैं। दोस्तों, इनका जो लास्ट मैच था, जहाँ पे क्वालिफायर 1 में इन्होंने खेला था रूबी त्रिची वॉरियर्स के सामने,
वहाँ पे भी इन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया था एंड 153 फॉर 3 किया था एंड मैच को हार गए थे क्योंकि इनके बॉलर्स टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए थे। टोटल इन सातों मैचेस को मिला के इन्होंने बनाए हैं 1038 रन्स, टोटल विकेट्स लॉस किए हैं 45। मतलब एक विकेट लॉस करने पे ये कितने रन्स बनाते हैं, 23-24 रन्स बनाते हैं सिर्फ एक विकेट लॉस करने पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के रखा है, हैव डन बोथ वेल बट प्रेफर्स चेजिंग मोर सिंस दे हैव लॉस्ट थ्राइस बैटिंग फर्स्ट इंक्लूडिंग देयर लास्ट मैच वर्सेस RTW। इफ दे बैट फर्स्ट दे वुड लाइक टू स्कोर 175 प्लस मिनिमम एंड पुट प्रेशर ऑन द अदर ओपोनेंट्स एंड डिफेंड देम लेटर। इसका मतलब ये है कि ये तीन बार बैटिंग फर्स्ट किए हैं, तीनों के तीनों बार हारे हैं, तो ये बैटिंग फर्स्ट करना अवॉइड करेंगे। पहली बात तो टॉस जीत के पहले चेस करने का कोशिश करेंगे एंड ओपोनेंट को बोलेंगे कि आप बैटिंग करने आइए पहले, तो ये इनका फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाय चांस अगर इनको बैटिंग आ भी गया तो ये कोशिश करेंगे 175-180 तक ये पहुँचे ताकि इनके बॉलर्स के पास ज़्यादा बफर हो कि टारगेट को डिफेंड कर पाए एंड अपना प्लेस फाइनल में सील कर ले। इनके प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड लास्ट मैच परफॉर्मेंस अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कौशिक गांधी इनके टीम के कैप्टन हैं, लास्ट मैच में एक रन किए थे, उसके साथ दो ओवर्स भी डाले थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इन जगदीशन के बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, सभी इनको ट्राई करने वाले हैं क्योंकि TNPL का प्रीमियम बैट्समैन है, जब से TNPL खेला जा रहा है सबसे बेस्ट बैट्समैन मैं कह सकता हूँ TNPL का एन जगदीशन, इनको तो ट्राई करना ही है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एस राधाकृष्णन लास्ट के दो मैचेस में 55 एंड 82 करते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे टच में है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आर श्रीनिवास, अब आर श्रीनिवास का क्या है, ये नंबर चार पे तो नहीं खेले थे लास्ट मैच में, इनको नीचे भेजा गया था, यू शशिदेव आ गए थे नंबर चार पे, 23 रन्स किए थे। ठीक है, तो यू शशिदेव को भी वाइल बैटिंग फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आर श्रीनिवास का ज़्यादा रोल नहीं रहा है इस साल, यहाँ पे चार ओवर एक ही मैच में किए थे, बाकी यहाँ पे एक ओवर, यहाँ पे दो ओवर ऐसे करके किए थे एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ठीक है, आर सतीश इनके टीम का प्रीमियम ऑलराउंडर है, यहाँ पे चार ओवर कंप्लीट किए थे एंड यहाँ पे तीन ओवर मतलब ज़्यादातर ओवर्स इनको मिलता है, ये शुरू में डालते हैं एंड डेथ में भी डालते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्लस अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो यहाँ पे ही अच्छा खासा रन्स भी बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 29 नॉट आउट, 64 नॉट आउट, 8 नॉट आउट, 13, 11 ये रन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आर सतीश को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको दिख जाएगा आर साई किशोर, जो कि CSK की टीम में सिलेक्टेड है IPL में, काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं इस साल, बट लास्ट के दो तीन मैचेस में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनका टीम फाइनल में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली लास्ट मैच में चार ओवर करने के बाद भी 31 पे कोई विकेट नहीं ले पाए। ठीक है, बाकी उसके पहले वाले मैच में सिर्फ एक विकेट निकाले थे, काफ़ी इकोनॉमिकल रह रहे हैं बट विकेट नहीं मिल रहा, सामने वाला टीम भी इनको देख के खेल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरीश कुमार इनके टीम के वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर्स मुझे कहना चाहिए, लास्ट मैच में तीन ओवर बॉलिंग करने के बाद 25 रन दिए, ये डेथ में डालते हैं, अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो हरीश कुमार को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये डेथ में गुच्छे में विकेट लेते हैं, मैं फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूँ अगर आपको याद होगा तो। ये बैटिंग भी इनको अच्छा खासा आता है, इस टूर्नामेंट में अब तक इस साल कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाए हैं पर 2019 में जब लास्ट TNPL हुआ था बहुत अच्छे बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दिए थे। ठीक है, बैटिंग करना इनको आता है। सोनू यादव ये दो ओवर डाले थे लास्ट मैच में, बैटिंग इनका नहीं आया था, कुछ खास बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं रहा था, बट उसके पहले वाले मैच में अगर आप देखोगे तीन ओवर करके दो विकेट निकाले हैं, यहाँ पे भी तीन ओवर करके एक विकेट निकाले हैं, 7 रन 10 रन इन सब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एम सिद्धार्थ ये कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे दो विकेट लास्ट मैच में निकाले थे चार ओवर बॉलिंग करके, ये सेकेंड इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इनके टीम में दो ही स्पिनर है, एक शाई किशोर जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, एक है एम सिद्धार्थ जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, समझ रहे हो बात को। तो एम सिद्धार्थ यहाँ पे दो विकेट निकाले हैं वाइल बॉलिंग सेकंड, यहाँ पे कोई विकेट नहीं मिला, यहाँ पे एक विकेट, यहाँ पे चार विकेट, फिर से बॉलिंग सेकंड करते हुए, तो एम सिद्धार्थ को बॉलिंग सेकंड करते हुए कोशिश कीजिएगा कि ना छोड़ो अपने टीम में से। ठीक है, आर अलेक्जेंडर लास्ट मैच में नहीं खेले थे और डी राहुल को खिलाया गया था, जहाँ पे एक ओवर इनको करने को मिला और एक विकेट लेके गए थे, 24 रन खर्च किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग ओवर्स इनके तरफ से लास्ट मैच में किए थे एम सिद्धार्थ, आर सतीश एंड डी राहुल जो एक ओवर किए थे ये वाला। ठीक है, बाकी डेथ ओवर्स में एम सिद्धार्थ आ गए थे, हरीश कुमार करते हैं एंड आर सतीश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चिपक सुपर गिलीज एंड दिंदिगुल ड्रैगन्स के बीच में एक हेड टू हेड मैच ऑलरेडी इस साल हो चुका है TNPL में,
जहाँ पे ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेले थे एंड चिपक सुपर गिलीज आसानी से मैच को जीत गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। यहाँ पे चिपक सुपर गिलीज की तरफ से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोनों जो टॉप के बैट्समैन हैं इनके कौशिक गांधी टीम के कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन एन जगदीशन काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। यहाँ पे शशिदेव जो बैटिंग फर्स्ट में हमेशा अच्छा करते हैं जैसे कि मैंने अभी बोला आपको 29 किए थे। यहाँ पे सतीश जो कि इनके मेन ऑलराउंडर है 11 रन्स किए थे। तो ये टॉप के चार बैट्समैन रहे थे इनके तरफ से। अगर आप इनका बॉलिंग कार्ड देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार विकेट निकाले थे शाई किशोर जो बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि स्पिनर है। यहाँ पे एम सिद्धार्थ बॉलिंग सेकंड करते हुए इस बार कोई विकेट नहीं मिला क्योंकि सभी शाई किशोर को अटैक करने जा रहे थे और उनको विकेट मिला था। हरीश कुमार इनके प्रीमियम ऑलराउंडर एक विकेट मिला। यहाँ पे संदीप वॉरियर उस मैच में खेले थे बट लास्ट के दो तीन मैचेस से नहीं खेल रहे। यहाँ पे सतीश तीन ओवर किए थे एक भी विकेट नहीं मिला। सोनू यादव चार ओवर करने के बाद भी एक विकेट नहीं मिला। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप देख लोगे दिंडीगुल ड्रैगन्स का बैटिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे हरी निशांत जो कि टीम के कैप्टन है 39 किए थे। ये हरी निशांत बैटिंग सेकंड करते हुए ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आर श्रीनिवास जो 24 रन्स किए थे एंड यहाँ पे मणि भारती जो विकेट कीपिंग बैट्समैन है दिंडीगुल ड्रैगन्स का, उन्होंने 16 रन्स किए थे। आर विवेक इनके टीम का प्रीमियम ऑलराउंडर बहुत नीचे आए थे, सिर्फ 16 रन्स ही बना पाए थे। ठीक है, बाकी इनका बॉलिंग कार्ड अगर आप देख लोगे दिंडीगुल ड्रैगन्स का इस मैच में तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एम सिलंबरसन जो कि स्पिनर है दो विकेट निकाले हैं। मुकित हरिहरन को तीन ओवर मिला था बट ये ज़्यादा ओवर नहीं करते हैं हर एक मैच में, एक विकेट मिला था। विग्नेश जो डेथ में डालते हैं एंड आर सुतेश जो डेथ में डालते हैं ये दोनों को एक एक विकेट मिला था। बाकी जी सिंह जो लास्ट मैच में तीन विकेट निकाले हैं जो एलिमिनेटर मैच दिंडीगुल ड्रैगन्स खेलते हुए आ रहे हैं डेथ में डाले थे, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए तीन विकेट निकाले थे। तो ज़रूर से इनका ध्यान रख सकते हो अगर इस मैच में भी दिंडीगुल ड्रैगन्स बॉलिंग फर्स्ट करता है तो, क्योंकि ये बंदा लेफ्ट आर्म पेसर है एंड डेथ में डालता है। ठीक है, अच्छा हेड टू हेड मैच में कैसा क्या रहा था वो तो हमने देख लिया, बट दिंडीगुल ड्रैगन्स इस साल कैसा क्या किया है, इनका पैटर्न कैसा रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो देखिए, दिंडीगुल ड्रैगन्स थर्ड पे फिनिश किया था, सात में से चार मैच जीते थे, तीन हारे थे। ठीक है, फर्स्ट मैच में 96 पे ऑल आउट हो गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, मैच को हार गए थे। उसके बाद बैटिंग सेकंड करते हुए दो मैच जीते हैं 202 पे 5 एंड 149 फॉर 5। बाकी यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक मैच जीते हैं 185 फॉर 5। यहाँ पे बैटिंग सेकंड करते हुए फिर से जीते हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए फिर से जीते हैं। तो चार मैचेस जो जीते थे बैटिंग सेकंड करते हुए ही जीते थे और लास्ट मैच जो ये जीतते हुए आ रहे हैं एलिमिनेटर मैच वहाँ पे भी बैटिंग सेकंड करते हुए मतलब चेस करते हुए ही जीते हैं। तो ये भी बैटिंग सेकंड को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इन्होंने पांच मैचेस जीता है इस साल TNPL में, उनमें से एक सिर्फ बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं एंड बाकी चार बैट सेकंड करते हुए जीते हैं। रन्स टोटल किए हैं इन सात मैचेस को मिला के 1205, टोटल विकेट्स लॉस 48 एंड तो एक विकेट लॉस करने पे ये कितने रन्स बनाते हैं 25 to 26। ठीक है, विकेट्स लॉस पर मैच में ये कितने विकेट लॉस करते हैं 6 से 7 विकेट एंड रन स्कोर्ड पर मैच मतलब ऑन एन एवरेज हर एक मैच में ये कितने रन्स बनाते हैं 151। अब देख लेते हैं इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। तो एस लोकेश्वर ओपनिंग करेंगे हरी निशांत जो कि बैटिंग सेकंड में बहुत अच्छा करते हैं। हरी निशांत को वाइल बैटिंग सेकंड आप ज़रूर से CVC बना सकते हो। ठीक है, अब लोकेश्वर का क्या है, जो फर्स्ट मैच इनको खिलाया गया था इस साल वहाँ पे 30+ किए थे बट लास्ट मैच में अंडर 10 आउट हो गए थे। तो थोड़ा सा रिस्की होगा बट कीपिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, के मानी भारती इनके ओरिजिनल विकेट कीपर है बट कुछ रीजंस के चलते ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, एस लोकेश्वर कर रहे हैं विकेट कीपिंग। अगर मणि भारती को विकेट कीपिंग ड्यूटीज़ दिया जाता है तो मुझे लगता है एस लोकेश्वर को हटा के कोई और अच्छे बैट्समैन को ये खिला सकते हैं। ठीक है, और अगर के मणि भारती को आप ट्राई करते हो तो अगर ये कीपिंग करते हैं तो ही ट्राई करना, और अगर कीपिंग नहीं करते फिर भी आप ट्राई करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ज़्यादा अच्छा करेंगे बैटिंग से, मतलब 50, 60 या फिर 80 रन्स बना जाएंगे। तो उस टाइम पे ग्रैंड लीग में आप CVC भी ट्राई कर सकते हो, लॉजिक से आप टीम बनाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, के मणि भारती अगर 30 रन बना गए और एस लोकेश्वर जो है जो कि विकेट कीपिंग करेंगे 20 रन बनाने के साथ साथ तीन कैचेस ले गए तो ये ज़्यादा पॉइंट्स देके जाएंगे। तो इसीलिए विकेट कीपर का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है और जो विकेट कीपिंग बैट्समैन ओपनिंग करने आ रहे हैं उनका और भी एडवांटेज रहता है। तो एस लोकेश्वर को आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्राई कर सकते हो, बाकी सेफ
पिक अगर बोलोगे एंड टेक्निकली साउंड बैट्समैन के मणि भारती ही होंगे, ठीक है। आर श्रीनिवासन कुछ खास परफॉर्म नहीं किए हैं इस साल। एम हरिहरन कभी कभी बॉलिंग डाल लेते हैं, मिडिल ऑर्डर संभालते हैं। आर विवेक इनके टीम का मेन बैट्समैन है, आप 2 से 3 ओवर एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, डेथ में भी 1 ओवर डालते हैं, ठीक है। बाकी मिडिल ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग डालते हैं एंड टॉप ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाते हैं। जब हिटिंग का ज़रूरत होगा तो आर विवेक आ जाएंगे। अगर अच्छा खासा शुरुआत में पार्टनरशिप लग जाता है तो आर विवेक ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट मैच जो ये एलिमिनेटर जीतते हुए आ रहे हैं उनमें ये दोनों प्लेयर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था चेस करने में, हरी निशांत एंड आर विवेक। तो ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इनको अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे टांगना है तो, नहीं तो कुछ खास बैट्समैन इनके पास है नहीं। थर्ड पे मैं रखता हूँ के मणि भारती, उसके बाद कोई खास बैट्समैन इनके पास है ही नहीं, समझ रहे हो। तो सामने वाले टीम मतलब CSG के बॉलर्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा फेवर कर सकते हो अगर जल्दी ये तीनों बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो, ठीक है। बाकी ये दोनों हो जाएंगे इनके टीम का मेन दो स्पिनर, स्वामीनाथन एंड सिलंबरसन। सिलंबरसन राइट आर्म ऑफ ब्रेक, स्वामीनाथन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। आर सुतेश इनके टीम का मेन बॉलर एल विग्नेश के साथ। बाकी जी सिंह कंप्लीटली 4 ओवर करवाते हैं, डेथ में डालते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम है, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। एंड आर सुतेश एंड एल विग्नेश है राइट आर्म मीडियम, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। दोस्तों इनके तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स कौन करेंगे? इनके तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स करेंगे आर सुतेश, एल विग्नेश एंड एम सिलंबरसन या फिर जी सिंह में से कोई एक, मतलब पहले के जो 6 ओवर्स होते हैं पावर प्ले के ये तीनों बॉलर्स मिलके करते हैं। जो डेथ ओवर्स होते हैं मतलब 15 से 20 वाला ओवर, वो डेथ ओवर्स में आर सुतेश, जी सिंह एंड आर विवेक समटाइम्स करते हैं। मतलब आर सुतेश एंड जी सिंह का कन्फर्म है ना, आर विवेक कभी कभी 1 ओवर लेके आ जाते हैं। दोस्तों मेरा फिलहाल टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे मैंने ये 3 टॉप के बैट्समैन जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं CSG के तरफ से, इनको मैंने ट्राई कर लिया है। राधाकृष्णन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, ग्रैंड लीग में आप फिर से CVC बना सकते हो, ठीक है। बाकी जगदीशन एंड कौशिक गांधी इनके टीम के मेन दो बैट्समैन हैं। बाकी आर सतीश जो कि अगर शुरू में विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं नीचे आके ये फिनिश कर सकते हैं, और अगर शुरू में अच्छा खासा स्टार्ट मिलता है तो इनको प्रमोट किया जाता है हार्ड हिटिंग के लिए। बाकी ये बॉलिंग तो डालेंगे ही, ये तीनों इनके मेन बॉलर्स हैं, तीनों को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर आप दिंदीगुल ड्रैगन्स के तरफ से देखोगे तो हरी निशांत इनके टीम के कैप्टन बेस्ट बैट्समैन है, इनको हमने ट्राई कर लिया। आर विवेक इनके टीम के मेन ऑलराउंडर है एंड वन ऑफ द मेन बैट्समैन, इनको भी हमने ट्राई कर लिया। इनके टीम के मेन बॉलर एल विग्नेश एंड यहाँ पे जी सिंह, दोनों को हमने ट्राई कर लिया, दोनों ही अपने कोटे का कंप्लीट ओवर्स करेंगे। एम सिलंबरसन को मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके ट्राई किया है, आप चाहो तो इनके जगह किन्हीं और प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो, 8.5 क्रेडिट्स आपके पास हो जाएंगे अगर आप इनको छोड़ते हो तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आर विवेक, एंड बैटिंग अगर सेकेंड करते हैं तो हरी निशांत, नहीं तो यहाँ पे मैं आइदर आर सतीश और कौशिक गांधी के साथ जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि कौशिक गांधी लास्ट दोनों मैचेस में 1-1, 2-2 ओवर बॉलिंग भी किए हैं एंड बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। लास्ट 2-3 मैचेस में कुछ खास परफॉर्म तो नहीं किए हैं क्योंकि कैप्टन है, बड़ा मैच है और बॉलिंग भी कर रहे हैं, इसलिए मैं वाइस कैप्टन इनके साथ भी जा सकता हूँ। बाकी जनता का वाइस कैप्टन मुझे लगता है कि एन जगदीशन ही होगा, ये भी बुरे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हम कोई जब भी नया वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको, अच्छा खासा अमाउंट उस वीडियो को देख के उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके विन कर पाओ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।